हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है ईशिका वर्मा और मेरे चैनल का नाम है ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, मीशो से मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था जिसका रिव्यू मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो ये है एक सो बेस और मैंने इसको मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये सो बेस जो है, मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सो बेस मंगाया है जिसके अंदर कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं है। बाकी आप अगर ऑनलाइन मीशो पे देखेंगे तो आपको इसकी डिफरेंट वैरायटी मिल सकती है। एलोवेरा सो बेस, चारकोल सो बेस, स्ट्रॉबेरी और टोमेटो फ्लेवर में भी आपको यहाँ पे सो बेस अवेलेबल हो जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सो बेस मंगवाया है। तो यहाँ पर जैसे मैं बता दूँ कि यहाँ पर दो सो बेस है, पर जो सो बेस है उसका जो वेट है वो 500 ग्राम है और उसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है वो 250 है। बट मैं यहाँ पे बता दूँ कि इन दोनों 500 ग्राम्स यानी कि 1 केजी का सो बेस मैंने मंगवाया है सिर्फ 320 रुपीज़ में। तो दोस्तों, अगर आपको मार्केट के केमिकल वाले सोप से और सेंटेड सोप से एलर्जी है, आपको वो नहीं पसंद, तो आप इस सो बेस को यूज़ करके अपना घर में प्योर हर्बल सोप बना सकते हो। मैंने बहुत सारे सोप्स की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, साथ ही साथ उन सभी वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप अपना घर में डिफरेंट टाइप के सोप्स कैसे बना सकते हैं इन सोप बेस से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही आराम से ये कट हो जाएंगे। कोई इसको डिफ़िकल्ट, इसको हार्ड नहीं है इसको कट करना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोप बेस की पतली लेयर को भी आप अपने हाथों से तोड़ सकते हो। तो सोप बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोप बेस को मेल्ट करना होता है। मेल्ट करने के लिए दो मेथड होती है। सबसे पहला होता है डबल बॉयलर मेथड। इसमें आपको एक पैन में पानी लेकर एक बाउल में सोप बेस ऐड करके इसको स्टीम से मेल्ट करना होता है। और जो दूसरा मेथड होता है वो डायरेक्ट गैस पे मेल्ट करना होता है, बट हमें फ्लेम जो है वो लो रखनी होती है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सेकंड मेथड यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लो फ्लेम गैस पर इस सोप बेस को मेल्ट कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सोप बनाना नहीं सिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको सोप बेस के बारे में बता रही हूँ। सोप बनाने के लिए आप मेरी अदर वीडियोज चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो खादी का जो सोप बेस मैंने मीशो से मंगवाया था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो गया है और बहुत ही इवनली है ये मेल्ट। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है इसका टेक्सचर है। तो दोस्तों, सोप बेस से आप कितने भी सोप अपने हर्बल घर में बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी है ये आपको मिल जाएगा ईजिली। और जो सोप बेस का ऑल्टरनेटिव है वो है कोई भी ट्रांसपेरेंट सोप। आप इसकी जगह पे कोई भी ट्रांसपेरेंट सोप आप यूज़ कर सकते हैं अपने हर्बल सोप्स बनाने के लिए। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर दें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।